हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज जो हमने ट्रेड दिया था उसके बारे में थोड़ा, फिर उसके बाद हम आपको डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एंड जैसा कि आज हमने मॉर्निंग में ही डिसाइड किया कि आज किस में ट्रेड करना है, तो आप लोगों ने बताया था बैंक निफ्टी में। तो ठीक है, बैंक निफ्टी में हमने फिर प्लान किया और उसके बाद हमको बैंक निफ्टी में अपने को ट्रेड मिला। हमने स्कॉर्पियो ट्रेड किया और अपने को क्या हुआ, अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट हुआ 42,900 का। तो सिंपल, आपको अगर यहाँ पर 42,840 पे अगर आपने बाय किया तो सिंपल आपका 42,900 से आपका यहाँ पर 60 पॉइंट का अपने को मोमेंटम मिला। एंड ये मोमेंटम आपको 11 बजे ही मिल गया था। ठीक है, 11 बजे ही हम लोगों ने, सभी लोगों ने प्रॉफिट कर लिया था, मैं भी किया था। ओके, बट क्या हुआ कि उसके बाद 12:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ पर बिजली कनेक्शन का इशू आ गया था और लगभग कि बिजली आई 3:05 पे। आप 3:05 पे आया तो कैसे ट्रेड कर सकते थे? ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट जो हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने जो प्लान किया था कि मार्केट कहाँ तक जाना चाहिए, 43,000 तक जाना चाहिए। ठीक है, बट मार्केट तो रॉकेट की तरह ऊपर गया। ओके, यही अगर बिजली 2 घंटे पहले आ गए तो आज तो इसको हम लोग कैप्चर कर लेते किसी भी हाल में। ओके, बट एनीवे जो हमने जो प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पर आपका 42,840 से जाएगा, मार्केट कहाँ पर सिंपल हमने बात की 43,000 के ऊपर जाएगा, बट ये नहीं सोचा था कि इतना ऊपर चला जाएगा। ओके, और अच्छा खासा अपने को कहीं ना कहीं यहीं पर हम लोग को एंट्री मिलता। अगर बिजली होती तो हम कहीं ना कहीं यहीं पर एंट्री अपने को मिल जाता, इस पुल बैक पे एंट्री मिलता अपने को कहीं ना कहीं। ओके, बट एनीवे दोस्तों, एंड 2 तारीख का अभी तो 5-6 दिन का गैप है, उसके बाद अपन ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। एंड इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हम जो प्लान करते हैं दोस्तों, सभी दिन डेली प्रॉफिट करने के लिए प्लान करते हैं, और आप लोग डेली भी कुछ ना कुछ आप लोग प्रॉफिट करते हो। तो इस ग्रुप को ज्वाइन हो जाए, यहाँ पर लाइव में अपडेट करता हूँ हर एक पॉइंट। आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैंने अपडेट किया था मार्केट कहाँ पर 10:17 पर, आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्त। ओके, 10:17 पर हमने अपडेट किया था। एंड अगर आप देखोगे 10:17 पर मार्केट कहाँ था, जो हमने 1 मिनट प्लान किया था, आप देख सकते हो दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो भी हमने अपन प्लान करते हैं पूरा, मतलब कि एक्यूरेट प्लान करने की कोशिश करते हैं। आप 10:17 आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा 10:17 जब मार्केट कुछ इसके आसपास था, है ना। तो उसके बाद हमने प्लान किया था कि मार्केट कहाँ जाना चाहिए, आपका वैली आपका 43,000 के आसपास, और मार्केट आया फाइनली हमारे यहाँ पर आया लगभग, आप देख सकते हो 2:45 के आसपास, करेक्ट है। उसके बाद 15 तो मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट किया। अब थोड़ा बात करते हैं कल के लिए, मतलब कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। देखो, मैंने कल आपको वीडियो भी डिस्कस किया था, जिन लोगों ने वीडियो देखा है और क्लियर समझ में आया कि हमने ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये कली वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट टेबल आप देख सकते हो, जो 800 आपका वैल्यू 60 ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेबल। देखो क्लियरली मार्केट का वो यही से रिएक्ट किया, और मॉर्निंग में कहाँ पर ओपन हुआ 43,000 आपका 50 से 43,000, तो यहीं से मार्केट क्या हुआ, सबसे पहले इसको हिट किया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, इसको कहाँ पर रेंज होने के बाद अपसाइड के लिए ब्रेकआउट हुआ। ओके, तो नेक्स्ट आपको जो लेवल्स बताया जाता है उस पे आप थोड़ा सा अमल करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब थोड़ा बात करते हैं कि अगला क्या होगा। तो अगला यही हमारा लेवल जो है कंटिन्यू होने वाला है अभी फिलहाल। एंड मार्केट अब मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन में भी आपको आइडिया देता हूँ। एंड ये हमारा फाइनल एक और लेवल है, मार्केट तो इस लेवल तक जाना चाहिए। अभी क्या हो सकता है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा सेलर्स ने एंट्री रखा है। ये आप देखो तो सेलर्स ने एट द मनी का ये 43,200 पे क्लियरली यहाँ पर क्या है कि सेलर्स ने यहाँ पर पोजीशन बना रखा है। तो मार्केट ओपन होता है, जैसे कि मार्केट क्या होता है फ्लैट ओपन होता है ना, 1 तारीख या 2 तारीख जब भी ओपन होगा, है ना। तो आई थिंक 1 तारीख को छुट्टी है, 2 तारीख को। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट क्या होगा, अगर इसी के आसपास यानी जो हाई बना, अगर इसी के आसपास प्राइस रेंज होता है, सिंपल आपको ध्यान रखना है, अगर इसी के आसपास मार्केट क्या होता है रेंज होता है ओपनिंग के, और मतलब 43,300 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 43,300 को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट सबसे पहले डाउन आएगा, और डाउन आएगा तो कम से कम आएगा आपका 43,130 का मार्केट आपको आसानी से मिलेगा। तो आपको ये तो एक अच्छा खासा फर्स्ट एंट्री मिल जाएगा आपको मॉर्निंग में ही 9:15 के 9:30 तक आपको आसानी से मिल जाएगा एंट्री। बट ध्यान यह देना है कि 43,300 को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 43,300 को ब्रेक कर देता है तब आपको सेल नहीं करना, अगर 43,300 को नहीं ब्रेक करता है तो आपको सेल करना डायरेक्टली, आपको यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, 43,120 तक मार्केट आसानी से आ जाएगा। ठीक, एंड दूसरी कंडीशन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जो बना है 43,100 जो हम बात करते हैं टारगेट का, तो आसानी से 43,100 नीचे मार्केट चला जाएगा,
और इवन क्या हो जाए कि यहाँ पर कम से कम मार्केट जो ट्रेड करेगा वो 43,000 के नीचे ट्रेड करना चाहिए। जब 43,100 से मार्केट अगर रिवर्स नहीं हुआ, ठीक, अगर यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट रेंज होता है और डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो पहले जो सीधा सीधा टारगेट था अपना 43,000 का फिर टारगेट हुआ, ठीक, तो अपने को 100 पॉइंट का मूवमेंट और मिलेगा। लेकिन अगर रेंज होकर अपसाइड ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर अपने को इग्नोर करना है, सिंपल है, ओके। एंड 43,000 फिर अपना आता है 43,000। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर डाउन आता है और 43,000 को ब्रेक करता है, 43,000 को ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद अपने को 42,870 का टारगेट होगा, ओके, सिंपल सा टारगेट। ये तभी आपको मिलेगा, 43,400 मार्केट तभी जाएगा जब मार्केट 300 को ब्रेक करेगा। जब 300 को ब्रेक कर दे तो आसानी से मार्केट क्या हो जाएगा, 43,400 पर चला जाएगा। और यहाँ पर क्लियरली अगर ऑप्शन चेन पर आप देखोगे 43,400 क्या है कि स्ट्रॉन्ग, लगभग ये 43,500 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद आता है 43,400। तो जैसे ही 100 पॉइंट का मूवमेंट के अंदर मार्केट क्या होगा, ब्रेक करके 43,300 के ऊपर थोड़ा बहुत मूव करेगा, तो ये जो आपका 400 वाला है ना, ये क्या करेगा, मार्केट को पुश करेगा, सॉरी 500 वाला, करेक्ट, तो 500 वाला क्या करेगा, मार्केट को पुश करेगा 400 वाला, तो ऑटोमेटिक मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा, करेक्ट। इसीलिए कह रहा हूँ आपका 400 वाला जो है वो पहले टारगेट हिट करेगा, जैसे ही ऊपर निकलेगा 425 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पर डाउन आने के यहाँ पर क्या होगा, चांसेस यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। एंड अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको आइडिया बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो जनरेट हुआ, सबसे हाईएस्ट जो सपोर्ट लेवल जनरेट हुआ है वो आपका, ये आपका है 43,000, जहाँ पर हमने प्लान किया था बाई के लिए। और सेम आपका जो रेजिस्टेंस लेवल जो हाईएस्ट जनरेट हुआ है वो आपका है 43,000, ठीक है। तो 43,000 फुट पे और 43,000 आप देखोगे आपका सी पे, दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कि सिर्फ बायर ने एंट्री लिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आप देखो यहाँ पर आपका बायर्स भी दिखा रहा है और सेलर्स भी दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा। यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट करना चाहिए, ना कि अप साइड के लिए मूवमेंट करना चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन साइड के लिए ही ट्रेड मिलने का चांसेस यहाँ पर है, ओके। तो अपने को ये प्लान करना है, अपने को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या है कि अपने को सेल करने के ही ज्यादा ट्रेड मिलेंगे और बाय करने के कम ट्रेड मिलेंगे, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ओके। बाकी आपको लाइव यहाँ पर मैं आपको प्रेडिक्शन अपडेट करता हूँ, सभी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप सिंपल आज का मार्केट सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों, ओके। तो थैंक यू सो मच एंड वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड। एंड वीडियो पसंद तो लाइक जरूर है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर ऑप्शन चैनल कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करोगे और दूसरे लोग कमेंट करेंगे तो आपस में आप बात कर सकते हो, बाकी मैं आपको डाउट जो भी होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ओके दोस्तों। तो फाइनली थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड मिलते हैं।